उत्तराखंड की दो सीटों पर लोकसभा उपचुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां चुनाव को भेदने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल होने लगे हैं। वहीं भाजपा ने भी चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बता दें कि भाजपा ने दावेदारों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था और देर रात प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। इसके तहत ही प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से राय लेने के बाद तीन नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा था। उनमें से बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी और मंगलौर सीट से करताप सिंह भड़ाना प्रत्याशी घोषित किए गए और दोनों ही सीट पर भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधेश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की राय शुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की राय शुमारी करते हुए जो नाम तीन नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है।